सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए हम समझ लेते हैं कि बैग पर शोल्डर को किस तरह से अटैच किया जाता है। सबसे पहले हमने बैग के कपड़े को इस तरह सीधा रखते हुए जो हमने शोल्डर काट के रेडी किया है उसे इस तरह पर आप अच्छी तरीके से जमा लें और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लें। चलिए हम बता देते हैं कि आपको सिलाई किस तरह से लगाना है। दोस्तों आप बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएं, ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कपड़े से उतरे नहीं या फिर आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं हो, बिल्कुल शोल्डर के शेप के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगाना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आप बाकी सिलाई भी कंप्लीट कर लें। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं हमें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। देख लेते कि हमारी सिलाई कितनी अच्छी दिख रही है। ये देखिए आपको भी इसी तरीके से सिलाई करना है शोल्डर की। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमें कांच प्लेट को किस तरह से बनाना है। ये देखिए हमने पेस्टिंग करके पहले ही रखी थी तो इसके ऊपर हम इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों ये सिलाई आपको बिल्कुल कॉर्नर में लगाना है, इस तरह से आप सिलाई कंप्लीट कर ले। चलिए दूसरी सिलाई को हम प्लेट के दूसरे कॉर्नर पे लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगाते हुए सिलाई कंप्लीट करना है। इससे पहले आप देख लें अंदर के आपका कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड ना हो, अगर एक्स्ट्रा फोल्ड हो तो आप इसे काट कर कम कर ले। इसके बाद प्लेट के दूसरे किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों सिलाई लगाते वक्त सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई प्लेट से बाहर ना जाए, बिल्कुल प्लेट के किनारे पर सिलाई लगाते हुए आपको सिलाई कंप्लीट करना है जिस तरह हम कर रहे हैं। ये देखिए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट कर बराबर कर ले। इस तरह से आपकी जो प्लेट की सिलाई है वो कंप्लीट हुई है। देख लेते हैं किस तरह से आपको सिलाई लगाना। ये देखिए बिल्कुल आपको इसी तरीके से सिलाई लगाना है और प्लेट तैयार होने के बाद हम जेब की मार्किंग कर लेते हैं कि हमें जेब कितनी नीचे और कितनी दूर लगाना है। तो ऊपर से आप दोस्तों 7.5 इंच पर आप जेब लगाएं। ये देखिए हम आपको बता देते किस तरह से मेजर किया जाता है। इस तरह से आप रखते हुए 7.5 इंच पर मेजर करते हुए मार्किंग कर ले। इस मार्किंग पर हम जेब लगाएंगे और साइड से आप प्लेट से यहाँ पर 2.25 इंच मेजर करते हुए मार्किंग कर ले। इस मार्किंग पे हम जेब फिट करने वाले हैं तो चलिए जेब को फिट किस तरह से किया जाता है यह भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने मेजरमेंट के हिसाब से 5 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबा पॉकेट लिया है। इसे फरमे की मदद से हमने पहले ही रेडी कर लिया है तो चलिए इसको हम किस तरह से फिट करते यह भी समझ लेते हैं। आप इस तरह से कपड़े को ऊपर से फोल्ड करते हुए सिलाई आपको ऊपर से लगाना है ताकि आपकी पॉकेट की फिनिशिंग अच्छी दिखे। और सिलाई लगाते वक्त आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल आपको सीधी सूत में ही सिलाई लगाना है। इसके बाद पॉकेट का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से आप काट कर अलग कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। फ्रंट में हमने जो मार्किंग की थी पॉकेट के लिए उस मार्किंग से मिलाते हुए आप पॉकेट लगा लें। दोस्तों इस मार्किंग का आपको ये फायदा होगा कि आपकी पॉकेट की फिटिंग कभी भी गलत नहीं होगी और बिल्कुल सही तरीके से आपकी पॉकेट की फिटिंग हो जाएगी। चलिए इस तरह से आप मार्किंग से मिलाते हुए पॉकेट को जमा लीजिए और इस पर स्टिचिंग कर लीजिए। दोस्तों ये पॉकेट फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका है तो आप भी इसी तरीके से पॉकेट फिट करिए। चलिए इस तरह से आप सारी सिलाई को बिल्कुल पॉकेट के कॉर्नर में करते हुए कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से पॉकेट की फिटिंग हो जाती है। चलिए देख लेते हैं कि हमारा पॉकेट फिट होने के बाद किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों पॉकेट की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आप भी इसी तरीके से पॉकेट फिट करिए। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि आस्तीन पट्टी को किस तरह से बनाया जाता है। हमने दोनों आस्तीनों में से एक आस्तीन को लिया है यहाँ पर और आस्तीन को उल्टा जमाते हुए हमने यहाँ पर रख लिया है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर इसे हम बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे
याद रहे दोस्तों, आपको बिल्कुल बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। और यह काम अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप प्लीज़ इसे काम को धीरे धीरे करिए ताकि आपके काम में फिनिशिंग आ सके। चलिए, इतनी सिलाई लगाने के बाद हमने जो वस्टिन पट्टी के लिए कपड़े को पहले से ही फोल्ड करके रखा हुआ है उसे यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको शर्ट की कटिंग बताई है। अगर आप शर्ट की कटिंग सीखना चाहते हैं या आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी रहे। चलिए, इसी तरह हम दूसरे पल्लों को भी अटैच कर लेते हैं। जिस तरह से हमने पहली आस्तीन में अटैच पल्ला किया था उसी तरह हम दूसरे आस्तीन में भी अटैच पल्ला कर लेते हैं और इधर से हम इसे बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, यह स्टिचिंग करने का सबसे आसान तरीका है। आप भी इसी तरीके से स्टिचिंग करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब देख लेते हैं कि हमने किस तरह से फोल्ड किया और अटैच किया है और किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा काम कितनी फिनिशिंग में हो रहा है। अब इसे यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। ध्यान रहे, आपकी सिलाई कटना नहीं चाहिए। और फिर नीचे से आप एक कट लगाकर इतने कपड़े को काट कर अलग कर लीजिए ताकि आपको आस्तीन पट्टी बनाने में आसानी रहे। चलिए, ये देखिए, हमने इसे काट कर अलग कर लिया है। अब ऊपर की सिलाई आप किस तरह से लगाते हैं यह भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, जिस तरह से हम आस्तीन पट्टी में सिलाई लगा रहे हैं आपको भी इसी तरीके से सिलाई लगाना है। बिल्कुल किनारों पे आपको सिलाई लगाना है ताकि आपकी आस्तीन पट्टी बहुत अच्छी दिखे। इसे आप यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए जिस तरह से आपको आस्तीन पट्टी बनाना है और फिर इसी शेप में आपको सिलाई लगाते हुए आस्तीन पट्टी कंप्लीट करना है। दोस्तों, यह काम आप बिल्कुल धीरे से करें ताकि आपकी आस्तीन पट्टी फिनिशिंग से बन सके। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। ये देखिए, इस तरह से हमारी आस्तीन पट्टी हमने पक्का करते हुए कम्प्लीट कर ली। चलिए, इसे हम देख लेते हैं कि यह बनने के बाद किस तरह से दिख रही है। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमने आपको एक आस्तीन पट्टी बनाना बताया उसी हिसाब से आप दूसरी आस्तीन पट्टी भी बना ले। दोनों आस्तीन पट्टी बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर आपको आस्तीन को सीधे रखना है और आस्तीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे आप बिल्कुल बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ले। दोस्तों, आपको हर हिस्से में आपका जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई को कम्प्लीट कर ले। इसी तरह आप दूसरे आस्तीन को में भी सिलाई लगा ले। अगर आप यहाँ चाहें तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम दोनों आस्तीन में सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब आस्तीन की फिटिंग किस तरह से की जाती है यह भी हम आपको समझा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि आस्तीन की फिटिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर में सेंटर की मार्किंग कर लेते हैं। अब हम आस्तीन लेंगे तो आस्तीन का जो गोल वाला हिस्सा है जहाँ पर हमने राउंड ज़्यादा दिया था उसे हमने फ्रंट में फिट करना है। ये देखिए, जो हिस्सा है ये फ्रंट में फिट होगा और अब इसमें भी हम सेंटर की मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से हम दोनों सेंटर की मार्किंग को मिलाते हुए आस्तीन को फिट करेंगे। ऐसा करने से दोस्तों आपकी आस्तीन आसानी से फिट हो जाती है और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, अब कपड़े को बिल्कुल बराबर लूजिंग देते हुए आप आस्तीन को फिट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। ये देखिए, इस तरह से हमने आधी आस्तीन को फिट कर लिया है। चलिए, आधी आस्तीन को किस तरह से फिट किया जाता है यह भी हम समझ लेते हैं। कपड़े को आपको टर्न करना है और आधी आस्तीन को भी जिस तरह से हमने आधी आस्तीन फिट की थी आपको बिल्कुल बराबर कपड़े को लूजिंग देते हुए आस्तीन को सिलाई लगाना है। दोस्तों, अगर आप किसी तरह की खींचातानी करेंगे तो आपकी आस्तीन सही तरीके से फिट नहीं होगी और ऊपर आपको झुरिया दिखेगी, मीन्स रिंकल्स दिखेंगे। तो आप बिल्कुल आस्तीन को बिल्कुल बराबर ढीला छोड़ते हुए सिलाई लगाइए। इसके बाद हम ऊपर की सिलाई भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हम डबल सिलाई का शर्ट बना रहे हैं तो हमें ऊपर भी दो सिलाई लगाना होगी। तो समझ लेते हैं कि दोनों सिलाई किस तरह से लगाई जाती है। दोस्तों, आपको अगर कटिंग व स्टिचिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। ये देखिए, इस तरह से आप सिलाई लगा लें जिस तरह से हम लगा रहे हैं।
दोस्तों डबल सिलाई का शर्ट सीने का ये बेनिफिट है कि आपका शर्ट बिल्कुल रेडीमेड की तरह दिखाई देता है और उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है। चलिए इस तरह से हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको सिर्फ एक ही आस्तीन फिट करना बता रहे हैं, आप इसी तरह दूसरे आस्तीन की भी फिटिंग कर लें, क्योंकि हमारा वीडियो जो है बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए हमने शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आस्तीन की फिटिंग करना बताया है। दूसरी आस्तीन की फिटिंग आप सेम इसी तरीके से आप कर लीजिए। ये देखिए आस्तीन फिटिंग होने के बाद आपकी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम साइड सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आस्तीन फिट करने के बाद जो आपका पीछे वाला एरिया है वो आपका इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको भी इतने ही फिनिशिंग से स्टिचिंग करना है। चलिए दोस्तों अब हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं। साइड की सिलाई लगाते वक्त करीब आपको आधा इंच कपड़ा दबाना है, तो आप आधा इंच कपड़ा दबाते हुए साइड की सिलाई पूरी कंप्लीट कर ले। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों इसी तरह आप दूसरे आस्तीन की भी फिटिंग कर ले। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम आपको दामन की सिलाई किस तरह से लगाते हैं यह समझाने वाले। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि दामन की सिलाई आपको किस तरह से करना है। एक बारीक फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगाना है, जिस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। और इस सिलाई में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कपड़ा आगे की ओर खींचते हुए सिलाई लगाना है ताकि आपकी जो दामन की सिलाई है वो बहुत ही फिनिशिंग में लग सके और बिल्कुल बराबर लग सके। तो यहाँ पर हम देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ से हम कपड़े को थोड़ा सा खींच रहे हैं और सीधे हाथ से हम कपड़े को जितना फोल्ड करना है उतना फोल्ड करते हुए हम आगे सिलाई बढ़ा रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिलाई लगाइए तो आपकी सिलाई भी बड़ी फिनिशिंग में लगेगी और कहीं से भी आपकी परेशानी आपको दामन की सिलाई लगाते वक्त आपको नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आप सिलाई लगाइए। ये देखिए इस तरह से बड़ी आसानी से हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह आप दूसरी सिलाई भी दामन की लगा लें तो इस तरह से हमारी दामन की सिलाई कम्प्लीट हो जाएगी। चलिए वो भी समझ लेते हैं कि हमें दामन की सिलाई किस तरह से लगाना है। ये देखिए जितना हमने एक बार फोल्ड किया इसी तरह दूसरी बार भी फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे की सिलाई किस तरह से की जाती है ये भी देख लेते हैं। इसी तरह हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमने बताया है कि आपको आगे कपड़ा खींचते हुए सिलाई कंप्लीट करना है, अगर आप इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दामन की सिलाई लगाते वक्त। तो आप इसी तरीके से सिलाई लगाएं। ये देखिए बड़ी फिनिशिंग से हमारा जो दामन की सिलाई है वो लग रही है और इस तरह से हमने दामन की सिलाई को कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके बाद हम कॉलर और कफ की फिटिंग किस तरह से करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहे। आस्तीन में कफ लगाने के लिए हम यहाँ पर आस्तीन को काट कर बिल्कुल बराबर कर लेते हैं नीचे से। तो देखिए किस तरह से बराबर की जाती है। उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्किंग करना है। बीच की जो कपड़ा है उसे आपको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए मार्किंग करना है और जो आगे से जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे काट कर आप बिल्कुल बराबर कर लीजिए ताकि जब आप कप की फिटिंग करें तो आपकी कप की फिटिंग अच्छे से हो सके। ये देखिए आगे से आपका थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो इसे काट कर बिल्कुल बराबर कर ले और सेंटर की मार्किंग कर ले। दोस्तों ये बिल्कुल आसान है। इसी तरह हम दूसरे आस्तीन को भी काट कर बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें। अगर आपको स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। ये देखिए इस तरह से हमने इसके भी काट कर बराबर कर लिया है और अब वहाँ पर यहाँ पर सेंटर की हम मार्किंग कर लेते हैं। चलिए कफ की फिटिंग करना सीख लेते हैं किस तरह से की जाती है। कफ में आप इस तरह से सिलाई लगा लीजिए और जो भी अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे काट कर आप बराबर कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इसे काट कर बराबर कर ले। कफ की फिटिंग करने के लिए कफ के दोनों तरफ से हमें करीब आधा इंच से थोड़ा कम कपड़ा रखते हुए कटिंग कर लेना है। ये देखिए इतना कपड़ा छोड़ते हुए आपको कटिंग करना है। इसके बाद नीचे से आप जितना सिलाई में आप सिलाई के लिए कपड़ा रखना चाहते हैं इतना कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट लें। इसके बाद यहाँ पर आप सेंटर के लिए मार्किंग कर लें
इसी तरह हम दूसरे कफ को भी रेडी कर लेते हैं। दोनों तरफ से हमने करीब आधा इंच से थोड़ा कम कपड़ा रखते हुए काट लिया है और सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट कर अलग कर लिया है। इस कप में भी हम सेंटर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस हस्टिन में किस तरह से अटैच किया जाता है ये भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि हस्टिन में कप की फिटिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कप को रेडी किया था चिपका कर। तो आपने सिलाई के लिए जितना कप में कपड़ा छोड़ा था उतना ही कपड़ा आप छोड़ते हुए यहाँ पर आप हस्टिन को अटैच कर लीजिए। इसके बाद आप थोड़ी सिलाई लगाकर सेंटर से सेंटर मिला लीजिए। ये देखिए, सेंटर से सेंटर मिला और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसे बाहर की ओर सल देते हुए एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह हमारा सेंटर से सेंटर आसानी से मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आगे की आधी सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, इसे भी इसी तरह ही करेंगे। आप थोड़ी सी सिलाई लगाइए और फिर जितना कपड़ा हमने सिलाई के लिए छोड़ा था उतना कपड़ा छोड़ते हुए आप अस्तिन को जमा कर एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे बाहर की ओर सल देते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरह हम अस्तिन में कप के पल्ले को अटैच कर लेते हैं। इसी तरह आप दूसरे अस्तिन को में भी कप के पल्ले को अटैच कर लीजिए। दोस्तों, ये बहुत आसान है, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है जिस तरह से हम समझा रहे हैं। सेंटर से सेंटर मिला ले और बाकी जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे आप सल में एडजस्ट कर ले। चलिए, इसके बाद हम पल्ले को अटैच करने के बाद कप की सिलाई किस तरह से लगाते हैं यह भी हम आपको आगे समझाने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको शर्ट की स्टिचिंग समझने में आसानी रहे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी वह प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से सिलाई लगा ले। सिलाई लगने के बाद हमारा कप कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाना है। दोस्तों, ध्यान रहे, आपकी सिलाई अस्तिन के पल्ले पर नहीं चढ़ना चाहिए, आपको सिर्फ कप पर ही सिलाई लगाना है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर लेते हैं। वह कप को सीधा करने के बाद हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा कप जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक ही कप को बनाना बता रहे, आप इसी तरह दूसरे कप को भी रेडी कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा होने के कारण हम आपको सिर्फ एक ही चीज बना के बता रहे। दूसरी चीज जो होती है, मीन्स आपने एक अस्तिन हमने चढ़ा के बताई है, आप दूसरे अस्तिन से उसी तरीके से चढ़ा लीजिए। यहाँ पर हम आपको एक कप बना रहे, आप इसकी मदद से ही आप दूसरे कप को भी रेडी कर लीजिए। इस तरह आपकी शर्ट की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा वीडियो भी थोड़ा छोटा हो जाएगा ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी रहे और वीडियो भी काफी लंबा ना हो। इस तरह से हमने कप पे सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, यह काम आपको बिल्कुल फिनिशिंग से करना है ताकि आपकी कप की फिनिशिंग दिखे और आपका शर्ट भी बहुत अच्छा लगे। चलिए, इसके बाद हम सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपको शर्ट की स्टिचिंग करना है जिस तरीके से हम बता रहे, क्योंकि यह शर्ट की स्टिचिंग करने का सबसे बेहतर और आसान तरीका है। इससे आसान तरीके से आप शर्ट की स्टिचिंग नहीं कर सकते। तो चलिए, इस तरह से जो हमारे कफ की स्टिचिंग है वह कम्प्लीट हुई है। तो हम इसे देख लेते हैं कि स्टिचिंग होने के बाद कफ किस तरह से दिख रहा है। दोस्तों, आपकी कप की फिनिशिंग बरकरार है और आपके कप में किसी भी प्रकार का सल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार हमने कप को रेडी कर लिया है। अब समझ लेते हैं कि हमें कप की फिनिशिंग किस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से हमने बताई आपको। ये देखिए, आपकी कप की फिनिशिंग इतनी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टैंड को पहले ही फोल्ड करके रखा है प्रेस की मदद से ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। अगर आपने भी अभी अभी टेलर का काम स्टार्ट किया है तो आप भी इसी तरीके से स्टैंड में पहले कपड़े को फोल्ड कर ले ताकि आपकी सिलाई फिनिशिंग से लग सके और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। इसके बाद हम दोनों तरफ से कपड़े को बिल्कुल बराबर काट लेंगे। इस तरह से काटने के बाद हम यहाँ पर स्टैंड में सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों, सेंटर की मार्किंग आप थोड़ी ध्यानपूर्वक करें ताकि आपकी सेंटर की मार्किंग सही हो सके। अगर ये गलत होती है तो आपकी कॉलर में स्टैंड एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम फिट हो जाएगी। तो आप सही तरीके से ही सेंटर की मार्किंग करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कॉलर को किस तरह से रेडी किया जाता है समझ लेते हैं। हमने कपड़े को नीचे सीधा रखा है और उसके ऊपर कॉलर को रखा है। आप पॉइंट से एक टाका पहले ही मशीन को रोक ले और फिर उसमें धागा अटैच कर ले ताकि आपका जो पॉइंट निकाले तो आपके पौने पॉइंट बहुत अच्छा निकले और कॉलर की फिनिशिंग भी आपकी अच्छी रहे। इस तरह से ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी तरह यहाँ भी हमने कॉर्नर से एक टाका पहले सिलाई को रोक लिया है और यहाँ पर इसे धागा अटैच कर लेते हैं।
इस तरह हमारा धागा अटैच हो गया, इसे अंदर करते हुए हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड से काटते हुए अलग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेते हैं और कोनों में से भी हम हल्का सा कपड़ा काट लेते हैं और इसे सीधा कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह हम धागे की मदद से आसानी से कॉर्नर निकाल सकते हैं। इससे हमारी जो कॉलर का पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा दिखता है और कॉलर में फिनिशिंग भी आती है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो कॉलर का बैक पल्ला है उसे आप नाखून की मदद से या फिर प्रेस की मदद से इसे पीछे कर ले ताकि आपकी सिलाई लगाने में आपको आसानी रहे। ये देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह आप पहले सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर बैक पल्ले को आप नाखून की मदद से पीछे कर ले और फिर इस पर सिलाई लगा दे। ये देखिए दोस्तों अब आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। आप करीब एक घोड़े की छट्टी से यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं या फिर चाहे तो कॉर्नर पे भी मीन्स किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से सिलाई लगा ले। दोस्तों स्टिचिंग का काम बहुत ही आसान है। अगर आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको स्टिचिंग करना बहुत अच्छा आ जाएगा और आप बड़ी फिनिशिंग से ही स्टिचिंग करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहे ताकि आपको स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड ज़रूरत की जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। ये देखिए इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को जो कॉलर का बैक पल्ला है उसको काटकर अलग कर लेते और सेंटर की मार्किंग कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्टैंड और कॉलर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और इसको सेंटर की मार्किंग कर देते हैं। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर स्टैंड को अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम दोनों कॉलर की और स्टैंड की सेंटर मार्किंग को मिला लेते हैं और धीरे धीरे कपड़े को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ऐसा करने से आपकी स्टैंड जो है वो बिल्कुल बराबर सही तरीके से फिट हो जाती है और आप इसे यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर ले। ये काम अगर आप नए नए टेलर हो तो आपको बिल्कुल सावधानी से करना है, मीन्स आपको धीरे धीरे करना है, इसमें जल्दबाजी ना करें वरना यहाँ पर आपका कहीं पर कपड़ा ज़्यादा अटैच होगा और कहीं पर कम अटैच होगा। तो आप बिल्कुल काम धीरे धीरे करें और इसको अच्छी तरीके से अटैच करें। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने पहले ही स्टैंड के बैक पल्ले को काट के रखा है, यहाँ पर हम इसे जोड़ लेते हैं। इस तरह हम स्टैंड के बैक पल्ले को भी जोड़ लेते हैं। इसके बाद इसे किस तरह से हम काट कर बराबर करते हैं ये भी हम आपको सिलाई लगाने के बाद समझाने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने कपड़े को जोड़ लिया है। अब आप यहाँ पर साइड के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर अलग कर ले। दोस्तों अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। इस तरह आप इसे सीधा कर लीजिए। बैक पल्ले पे भी आप नाखून की मदद से या फिर चाहे तो प्रेस कर सकते हैं, आप प्रेस कर ले तो वो बेहतर होगा। इस तरह आप कपड़े को बिल्कुल बराबर कर ले और फिर स्टैंड से करीब पाव इंच कपड़ा मीन्स आप जितना कपड़ा सिलाई में दबाना चाहते हैं या सिलाई में अटैच करना चाहते हैं उतना कपड़ा छोड़कर आप एक्स्ट्रा कपड़े को काट लीजिए। दोस्तों आप जितना कपड़ा काट रहे हैं उतना ही कपड़ा याद रहे आपको सिलाई में अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे काट लिया है। कहीं से भी बिल्कुल कम ज़्यादा ना हो, आपको बिल्कुल बराबर काटना है। अगर कहीं से कम ज़्यादा हो तो आप उसे भी बिल्कुल बराबर कर ले। ये देखिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से आप इसे बराबर करें और फिर आप यहाँ पर इन्हें मिलाकर सेंटर की मार्किंग कर ले। इस तरह से हम यहाँ पर इसके सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि कॉलर को किस तरह से फ्रंट में अटैच किया जाता है। यहाँ पर हम फ्रंट में मेजर कर लेंगे कि कॉलर हमें अटैच करना है तो वो पल्ला बराबर है या नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हमारा शर्ट का पल्ला बिल्कुल बराबर है तो हम इसे अटैच कर लेते हैं। दोस्तों अटैच करते वक्त सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको दोनों पल्लों को बिल्कुल बराबर लूजिंग देते हुए सिलाई लगाना है। याद रहे आपको किसी पल्ले को भी खींचातानी नहीं करना है, बिल्कुल बराबर लूजिंग देते हुए आपको सिलाई लगाना है और सेंटर से सेंटर आपका मैच होना चाहिए। अगर सेंटर से सेंटर आपका मैच नहीं होता है तो आपकी कॉलर की फिटिंग गलत हो जाएगी और कस्टमर को प्रॉब्लम होगी। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल बराबर दोनों पल्लों को बराबर लूजिंग देते हुए सिलाई लगाइए और सेंटर से सेंटर मिला लीजिए। ये देखिए सेंटर से सेंटर हमारा मिल गया है। इसी तरह हम बराबर सिलाई लगाते हुए सिलाई को कम्प्लीट कर लेंगे। दोस्तों आपको दोनों तरफ उतना कपड़ा छोड़ना है जितना हमने स्टैंड को दोनों तरफ कपड़ा छोड़ा था ताकि हम सिलाई लगा सके उस पर। ये देखिए इस तरह से हम इसे अटैच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा धागों को काटने के बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेते हैं।
पहले देख लेते हैं कि हमने कितना पल्ला अटैच किया। ये देखिए दोस्तों, जितना पल्ला हमने स्टैंड में छोड़ा था उतना ही हमने यहाँ पर सिलाई में अटैच कर लिया। इसी तरह आप भी कॉलर को फ्रंट में। चलिए दोस्तों, हम साइड की सिलाई लगा लेते हैं। साइड की सिलाई लगाते वक्त सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो फ्रंट में नहीं लगना चाहिए, सिर्फ कॉलर के साइड में ही लगना चाहिए। तो देखिए जिस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं, इसी तरीके से आप भी लगाइए और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारी लास्ट सिलाई है, हम कॉलर की सिलाई लगा लेंगे और हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और इसे आगे भी शेयर करिए। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। अगर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सके। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसके कॉर्नर निकाल लेते हैं और फिर इसकी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करिए। ऐसा करने से जो आपकी कॉलर के कोने हैं वो आपकी बड़ी फिनिशिंग से बनते हैं, दोनों तरफ के कोने आपके सही बनेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर शोल्डर तक सिलाई लगा लें और इसे रिवर्स करते हुए बाकी सिलाई को कंप्लीट कर लें। आई थिंक दोस्तों आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह हम आपके लिए स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप सिलाई लगा ले फिनिशिंग के साथ और आपको जो नीचे वाला फ्रंट है उसे आपको साइड से तपास के रखना, मीन्स थोड़ा खींच के रखना है ताकि नीचे आपका कपड़ा इकट्ठा ना हो। ये देखिए इस तरह से हमारी कॉलर कंप्लीट होती है। अब हम इसे मेजर कर लेते हैं कि हमने जो कॉलर बनाई है वो सही बनी है या नहीं बनी है। तो देखिए इसे मेजर इस तरह से किया जाता है, ये अगर हो तो बराबर हो तो हमारा सही हो गया। ये देखिए